हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शेरशाह सूरी का पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और शेरशाह सूरी के बारे में बताते हैं कि शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 45 तक रहा। सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। उत्तर भारत में सूर्य वंश तथा द्वितीय अखवान वंश की स्थापना की थी इन्होंने। इनका जन्म 1472 ईस्वी में, कहीं कहीं 1486 ईस्वी में लिखा है, मतभेद है। इनका जन्म स्थान पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ है। कहीं कहीं लिखा है कि नरनौल परगना हरियाणा में हुआ है, तो कहीं लिखा है सासाराम बिहार में हुआ है। जन्म स्थान में भी मतभेद है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इनके पिता का नाम हसन खां सूर, जो सासाराम के जागीरदार थे। इनकी शिक्षा जौनपुर से हुई थी। जौनपुर को सिराज ये हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है और जौनपुर अरबी फारसी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। शेरशाह सूरी शासन प्रबंध का अच्छा जानकार था, इसीलिए पिता द्वारा उन्हें जागीर प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ कारणों से यह छोड़कर महमूद लोधी की सेवा में चले गए। उस टाइम महमूद लोधी ये पंजाब के गवर्नर थे। 1522 ईस्वी में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर शेरशाह सूरी द्वारा एक शेर मारने के उपलक्ष में शेर खां की उपाधि प्रदान की गई और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर के साथ प्लस शेरशाह सूरी के साथ। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में भी, मतलब बाबर प्लस अफगानों की तरफ से शेरशाह सूरी के साथ, मतलब महमूद लोधी के साथ ही ये था। पंद्रह ईस्वी चौसा के युद्ध होता है हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के साथ होता है। 1540 ईस्वी कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के साथ और हुमायूं पराजित हो जाता है। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक हुमायूं भारत से बाहर रहता है। साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े और सफलता भी मिली। 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। 1543 ईस्वी में रायसेन पर आक्रमण किया। वहां के शासक पूरनमल थे। इस युद्ध में स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। यह घटना शेरशाह सूरी पर कलंक थी। 1544 ईस्वी मारवाड़ पर आक्रमण और मारवाड़ के उस टाइम शासक मालदेव थे। मालदेव के दो सरदार थे जैता और कुंभा। इस युद्ध के बारे में सूरी ने कहा है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया होता। 1545 में कलेंजर के युद्ध किले पर आक्रमण किया। कलेंजर के आक्रमण पर युद्ध, मतलब आक्रमण किया। कीरत सिंह प्लस शेरशाह सूरी युद्ध होता है। कीरत सिंह के राज्य की एक, तो शेरशाह सूरी ने कहा कीरत सिंह से कि हमें यह दे दो, लेकिन कीरत सिंह ने मना कर दिया। इस कारण इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया गया था जो किले की दीवारों से टकराकर
पास रखे बारूद के ढेर में गिर गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत हो गई। शेरशाह सूरी की मृत 22 मई 1545 ईस्वी में हुई थी। एक शासक के रूप में इसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। भूमि माप का पैमाना गज सिकंदरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।